लोग काशी विश्वनाथ जाते हैं अपना शरीर छोड़ने के लिए, मरने के लिए आएंगे, तो वहां पर शिवजी जो हैं, क्या शिवजी मुक्ति देते हैं? नहीं नहीं नहीं, शिवजी के हाथ में मुक्ति नहीं है, शिवजी प्रलय करते हैं, शिवजी के हाथ में मुक्ति का डिपार्टमेंट नहीं है। शिव गति नहीं होती, नारायण गति होती। गति देने वाले कौन है? नारायण। कृष्ण ही गति दे सकते हैं, नारायण ही गति दे सकते हैं। तो फिर शिव जी कहां से आ गए जो गति देंगे? वहां लोग मरने के लिए जा रहे हैं, उस मरने वाले के कान में शंकर जी राम नाम फूंकते हैं। शिव जी जब उसके कान में ये फूंक देते हैं तो उसकी तुरंत मुक्ति हो जाती है। बोलो जय जय श्री। क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं भगवद गीता में? कह रहे हैं अंत काले च माम स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अगर शिवजी तुम्हारे कान में बात डालेंगे तो इधर उधर की बातें सब भाग जाएंगी, सिर्फ नाम ही रह जाएगा। और नाम जब अंत काल तुम्हारे हृदय में रह जाएगा तो मुक्ति हो जाएगी। सिंपल सी बात है, उनको भी ज्यादा कोई परेशानी नहीं होती। परंतु वो बड़े शक्तिशाली है, उनके सामने किसी भी प्रकार की माया का वश नहीं चलता जो आदमी को घेरे पड़ी है। वो जब आते हैं कान में बात करने तो माया भाग जाती है, वो व्यक्ति पवित्र हो जाता है, उसकी बुद्धि पवित्र हो जाती है। जबकि उससे उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही, कुछ बोल नहीं पा रहा, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि जब मृत्यु आती है तो उस वक्त हमारे 9 के 9 द्वार बंद हो जाते हैं, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, उसमें बलगम और कफ जम जाता है। बस बात करता है तो एक मन ही है जो हमसे बात करता है। बोलो जय जय श्री। शरीर का कोई भी अंग हमारा हिलता नहीं है, कुछ भी नहीं होता। और मुसीबत यह होती है कि मेरे मन में जो चल रहा होता है वो मेरे दिमाग में आ रहा होता है। और मन में अगर हरि नाम है तो तू मुक्त हो जाएगा। और मन में अगर ये चल रहा है कि हाय हाय मैंने ये गाड़ी खरीदी थी, हाय हाय ये मैंने बंगला बनाया था, हाय हाय मैं मर रहा हूं, तो उसी वक्त ठाकुर जी उसकी वो इच्छा पूरी कर देते हैं। मान लो भक्ति करी नहीं और अंत में यही सोच रहा है मैंने इतना कमाया, ये बंगला बनाया, ये गाड़ी ली, मैं कहाँ जाऊं, तो फट भगवान लेके छिपकली बना देते हैं उसी मकान में, ले यही रहे। बोलो जय जय श्री। कुछ लोग सोचते हैं मरते मरते कि अरे 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 ये मेरे बालक तो बिल्कुल निकम्मे हैं, बड़ी मुश्किल से इतना पैसा कमाया, इतना धन कमाया, इतना वैभव किया, ये पागल, लूट ले जाएंगे लोग इन्हें, कैसे भी रखवारी नहीं कर पाएंगे ये, भगवान लेके कुत्ता बना देते हैं भाई, घर में पल रहा महाराज। बोलो जय जय श्री। बैठो रे बेटा तू रखवारी कर। कुछ लोग कहते हैं अरे ये तो बर्बाद बहुत करते हैं चीज को, ये ऐसे ही सब चीज को बर्बाद करते रहते हैं, पता नहीं मेरे मरने के बाद सब कुछ बर्बाद कर देंगे, किसी चीज की सब नाली में बहा रहे हैं, सब नाली में बहा रहे हैं, तो पट भगवान नाली का कीड़ा बना देते हैं, तू खा उस चीज को, बैठ जाए। बोलो जय जय श्री। हाय अरे मुझे तो मांस बड़ा प्रिय है, मेरे को तो मांस खाना है, अंडा खाना है, मुझे तो गर्भपात खाना है महाराज। अंडा क्या है? गर्भपात। अभी बच्चा पैदा होने वाला था कि मार के खा गए। बोलो जय जय श्री। गर्भपात खाना था मुझे महाराज, मांस खाना था। अब मैं रह गया, मैं सोच रहा था ये बनाता वो बनाता, पैसा तो मेरे पास बहुत था। ठाकुर जी कहते चिंता ही मत कर महाराज, शेर बना दिया, गीदड़ बना दिया, गिद्ध बना दिया, चील बना दिया, कौआ बना दिया, जो मांसाहारी जीव जंतु है उनमें से किसी 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 न किसी का जन्म तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। बोलो जय जय श्री। और ये अखंड सत्य है, क्योंकि ये रामायण भी कह रही है और भागवतम भी कह रही है। मैं दोनों का संबंध बताने जा रहा हूं।